Assalamualaikum। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आगे मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो सबसे पहले मैं वीडियो के बारे में आपको बताना चलूँ कि रिकॉर्डिंग में बस पड़ी थी, कोई ज़्यादा अच्छा गेम प्ले नहीं था, लेकिन आपको मज़ा ज़रूर आएगा, तो इसलिए मैंने पहले पोस्ट नहीं की थी। बट जब मेरे पास कुछ था नहीं अपलोड करने का, तो मैंने कर दी पोस्ट। सस्ती शायरी सुनाता हूँ जो कि बहन भाई के ऊपर है कि भाई तो रखते हैं हल्का हाथ, पर बहन ठूस ठूस के खाती है। वाह 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 वाह। भाई तो रखते हैं हल्का हाथ, बट बहन ठूस ठूस के खाती है। जब से हुई है पबजी बैन, हमें रात को नींद नहीं आती है। सस्ती शायरी विद द नॉनी मस बाबा जी। तो लिविक ही खेला था ये वाला मैच मैंने, मेरे पर रिकॉर्डिंग पड़ी थी, लेकिन बस आप देख लेना मैच में हुआ क्या था, इसलिए मैंने पोस्ट नहीं की थी। बट मेरे पर कुछ था नहीं, लेकिन मज़े का भी था, मतलब स्क्वाड वगैरह मारे। और अब तो बहुत कम खेलता हूँ, 4 दिन बाद 5 दिन बाद ऑन कर ली गेम, दिल ही नहीं करता गाइस। 4 बंदे उतरे, कंफ्यूज हो गया था, मारूं इसको, इसको मारूं, इसको मारूं या इसको मारूं। बट फाइनली मैंने एक को मार के नॉक किया और नॉक करके छोड़ दिया। डीपी थी हमारे पास और भाई के अकाउंट से ही खेल रहा हूँ मैं। मेरे वाला मैंने पता नहीं कितने दिन हो गए मैंने यूज़ नहीं किया बाबा जी, लेकिन आप लोग के लिए बहुत सी बातें हैं, वो तो आज हम गपशप भी लगाएंगे आपसे और गेम प्ले की तरफ भी फोकस करके रखेंगे। एक एम मेरे पास थी, मज़े की बात हमारे टीम में नॉक एंड फिनिश हो चुकी है, जिसकी हमें बहुत खुशी है। अब जाके किल का बदला लेना पड़ेगा। तो नीचे आ गया, यहाँ से मुझे जा रहा था लेफ्ट से साउंड बाबा जी, आराम से वेट कर रहा था, क्योंकि जाते तो बैंड बज जाती है हमारी, बम पे गोलियां पड़ जाती, तो इसलिए हम वेट कर रहे थे। सर जी, हमने तो आपको देखा ही नहीं। मतलब नहीं, हमारी टीम मेट मतलब बॉट है फिर हमारा, देख लो टीम मेट ना, मतलब इससे मर गए, इससे नहीं मतलब क्या। तो यहाँ पे गाइस हमने फिनिश किया। अब मुझे आ रहा था सामने वाले घर से साउंड, वो देखो अगर आपने फोकस करना, सामने वाली छत पर बंदा था, वहीं से साउंड आ रहा था। तो फिर मैं आ जाता हूँ छत पे ताकि मुझे अच्छे से उसका एंगल मिले। सर जी, हमने तो आपको देखा ही नहीं, डाउन किया भाई को, फिनिश करेंगे। और इंशाल्लाह जब पबजी अनबैन होगी ना, तो उसके बाद तो बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मुझे, मेरी गेम काफ़ी डाउन हो चुकी होगी, आप लोगों की भी हो चुकी होगी, तो हमें काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बंदे काफ़ी थे, समझ नहीं आ रहा था किस साइड पुश करूँ, किस साइड जाके बंदों को डाउन करूँ, तो बस छत पे घूम रहे थे। और ये वाली छत तो मुझे इतनी पसंद आ गई ना, और ग्राफिक्स भी काफ़ी मज़े के हैं, कभी धूप आती है कभी चली जाती है। वाह वाह वाह, बैरल पे 4x लगा चुके हैं हम। ये सामने वाले घर में बंदे थे, यहाँ पे मुझे एंगल मिलेगा, जैसे ही गोलियाँ लगी वो बंदा पीछे हो गया, वरना गाइस हम उसकी बैंड बजा देते, एक बम पे लगा के भाई को नॉक किया, फिनिश कर देते। तो उसके बाद मैंने रश का फैसला किया, अरे सर भाग रहे हैं। सर जी, हमने तो आपको देखा ही नहीं देखा हमने, आप तो हो ही नहीं वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मुझे पीछे से गोलियाँ पड़ने लग जाती हैं, तो बाबा जी मैं वहाँ से हट के आ गया साइड पे, और यहाँ पे हम छत पे भग लिए। लेकिन वो जो नीचे बंदा था ना, वो समझ रहा अपने आप को जॉन सीना, माय नेम इज जॉन सीना, टो टो टो, नॉक हो गया तू। ओ वाह, मैं तो देखो ट्यून पे भी उल्टी सीधी बकवास कर लेता हूँ, लॉल। तो अगर अभी तक आपने लाइक बटन नहीं ठोका तो ठोक देना, और वीडियो को शेयर लाजमी करना गाइस, क्योंकि गेम प्ले काफ़ी टाइम बाद आया, तो जिस दोस्त ने नहीं देखा होगा आप उस तक पहुंचा देना प्लीज़, जल्दी से हमारे 1 मिलियन हो जाएंगे। तो गाइस अब यहाँ पे मैं बंदे ढूंढ रहा था, फिलहाल कोई मिल नहीं रहा था, सामने वाले घर से साउंड आ रहा था, तो हमने कहा बाबा जी करेंगे रश, दिखा जाएगा। फाइनली काफ़ी होल्ड करने के बाद रश किया था मैंने, यहाँ पे जंप करके देखा तो भाई अंदर बैठे हैं। अरे सर, हमने तो आपको देखा ही नहीं, कैंपिंग लेवल 9999, भैया भग लिए ऊपर, भैया के बम पे गोलियां पड़ी, भैया गिरे उल्टे मुंह, और लाइक हम तो उसको ये क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, नाक के नीचे लिप्स के नीचे क्या होती है, चलो मैं नेक्स्ट वीडियो पर इस पर कोई बात करूंगा, बट आप मुझे अपनी लैंग्वेज में बताना कि देखो आंखें फिर नाक फिर लिप्स, और लिप्स के नीचे जो होती है जहाँ पे दाढ़ी आती है, तो आप उसे क्या बोलते हो? तो देखते हैं आपकी मुकामी लैंग्वेज में से क्या कहते हैं। गाइस सामने जो है ना बंदे आ गए थे, तो बाबा जी यहाँ पे हमने मौत को छुआ, टक से वापस आ गए। लेकिन मैं आपको फिर बताता चलूँ, लॉबी हल्की ही आ रही थी, क्योंकि मेरा मेन अकाउंट नहीं है, इस चीज़ को मैं मानता हूँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि प्लेयर थोड़े से हल्के आ रहे थे, बट मैं आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए, थोड़ा सा आपका टाइम पास करने के लिए, थोड़ी बकबक करने के लिए, थोड़ी डायलॉग्स और थोड़े सस्ती शायरी सुनाने के लिए आया था। तो इसीलिए मैंने गेम प्ले वाला पोस्ट नहीं किया था, बट अब कुछ था नहीं पब्लिक, तो क्या करें, इन्होंने हुकूमत ने ना बहुत ज़्यादा की है मेरे साथ, बहुत गलत किया, और बहुत से पबजी प्लेयर्स के साथ बहुत गलत किया, बट कोई बात नहीं, अल्लाह ताला का इम्तिहान है, इंशाल्लाह जल्दी सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर गए जंप वम करके लूट की, और एक बंदा बॉट फायर देगा, नहीं मतलब हम तो पागल हैं, हमारे सर पे तो सींग हैं, हमें तो पता ही नहीं कि आप बॉट हो या बंदे हो।
अब मैं मतलब से लूट कर रहा था और वो ऊपर वाली बिल्डिंग से टॉप से वो देखो सामने वाली बिल्डिंग से दे रहा बॉट फायर। नहीं हम तो पागल हैं, मुझे यहाँ से साउंड आ रहा था बट जब मैं आगे बढ़ा तो भाई पीट ले रहे थे, कान के नीचे लगाया, क्रेट बनाया, जाके लूटेंगे भाई की क्रेट। तो हमने दुड़की लगा दी, क्रेट की तरफ गए। तो गाइस बात ऐसी है कि देखो अभी टेम्परेरी बैन है और मुझे नहीं पता कब तक बैन रहने वाली है, तो आप लोग ना प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करो अपने माइंड को थोड़ा बिजी रखने के लिए और जो लॉस होगा उसको रिकवर करने के लिए, क्योंकि भाई इन्होंने तो हमसे हमारी जॉब ही छीन ली ना, हम क्या करें, और कोई गेम खेलने का दिल नहीं करता तो चैनल भी डाउन हो जाएगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो आप लोग प्लीज़ ना व्लॉग्स जो मैं बना रहा हूँ ना बस ऐसे थोड़ा माइंड फ्रेश रखने के लिए कि नेगेटिव थाट्स ना आए और ज़्यादा परेशान ना हो जाऊँ, आप भी हो मतलब अब मेरी ना पोजीशन समझ सकते हो कि जब एक बंदे से उसकी जॉब ले ली जाती है और फिर उस पर कैसी गुजरती होगी। तो मैं थोड़ा सा बिज़ी रखने के लिए ख़ुद को ब्लॉग्स बनाता हूँ, दो ही बनाए हैं फिलहाल, तीसरा भी जल्दी आएगा। तो आप लोग प्लीज़ जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो अनोनिमस 360 या आप डिस्क्रिप्शन खोल के भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर वहाँ से नहीं करना गाइस तो आप अगर आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं करना, ब्लॉग्स नहीं देखने, तो आप प्लीज़ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, कहीं ना कहीं कर लो यार, कि ये जो बुरा वक्त है ये भी टल जाएगा, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला का इम्तिहान है। दुड़की लगा रहे थे, सरकारी डब्बा आ रहा था बाबा जी, तो हमने दुड़की लगाई, जाके देखेंगे। और यहाँ पे इतना फनी सीन हो गया था क्योंकि एक भाई आएगा जिसका लाइक अकाउंट का लेवल थोड़ा कम होगा, थोड़ा नया प्लेयर है, बिल्कुल मेरी तरह नूब होंगे हमारे भाई, तो उनके साथ थोड़ा सा हमने ट्रोल कर दिया था। आपको बड़ी हंसी आने वाली है और ये वीडियो तो मैं टिकटॉक या इंस्टा पे भी पोस्ट करूँगा, मज़ा आएगा। डब्बे पे आ गए, लाल लाल धुआं निकल रहा है, दुड़की लगा रहे हैं, बम पे हमारे पैन रखा हुआ है और यहाँ पे हमने लेवल 3 उठा लिया। बैंडेजेस गिराएंगे क्योंकि हमें मेडकिट चाहिए, मेडकिट थोड़ी सी बेटर है, बैंडेजेस से एक ही बार में हेल्पफुल हो जाएगी। साउंड आया तो गाइस मैं साइड पे हुआ और वो देखो आई ये सर जी, वाह 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 वाह, लॉल फनी था गाइस, वाकई में फनी था। भाई को पहले मैंने डैमेज दिया था ताकि मैं पैन के एक दो शॉट में मार दूं, वरना अगर आप वैसे पैन करोगे तो आपको फिनिश कर देंगे ना, लेकिन इतना तो बंदों को गोली, हर बंदे को गोली तो मारना आती है तो फिनिश हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ी सी हेल्थ कम कर दी थी उनकी। आप भी फनी ट्रोल करना चाह रहे हो किसी को तो मतलब हेल्थ कम करके ही उसको पैन किया करो, थोड़ा सा ईजी हो जाता है। अब ये गाड़ी अगर रुकी थी जैसे कि आपने सामने देखा था, तो मैंने फैसला किया भाई गाड़ी को चेस करेंगे और जाके देखेंगे कि क्या चल रहा है वहाँ पे, और थोड़े बाद गाड़ी से धुआं निकलने लग जाएगा और पता नहीं ब्लास्ट हो जाती है क्या सीन। तो साउंड तो नहीं आ रहा था ना मार कर रहे थे, बट गाड़ी से धुआं निकल रहा था। लॉल पता गाइस कितना टाइम हो रहा है, 3:30 बज रहे हैं, वो भी लाइक पाकिस्तानी जुबान में रात के, और वैसे लाइक AM हो रहे हैं, मतलब कैसे बताऊँ, हाँ थोड़ी देर बाद फजर हो जाएगी, वो वाले 3 बज रहे हैं। लॉल तो हमने दुड़की लगाई और आगे की तरफ जा रहे थे। यहाँ पे आप देखोगे कि दो मामे हिरदे अनोनिमस का लॉ फॉलो कर रहे हैं, व्हेन यू सी द क्रेट यू स्टेप टेप 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 टेप, इसका लूट का नो मजाक, बट यू डोंट नो अनोनिमस कमिंग फ्रॉम योर पिछवाड़ा एंड ही इज देखिंग यू आर लेटिंग एंड ही इज मारिंग टैप 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 आराम से। बाबा जी ऐसे कैसे, पता नहीं रिवाइव दे रहा था या लेटे हुए थे, आई डोंट नो, बट मैं स्प्रे करके ना उनको लाइक दूर होता ना, तो गाइस टैप टैप ही मारा करो, लाइक टैप 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 इस तरह करके मारो, स्प्रे करोगे तो वो उनको भागने का चांस मिल जाएगा, क्योंकि स्प्रे जो है वो कंट्रोल करना मुश्किल होता है। टैप पे आप सारी गोलियाँ थोड़ी थोड़ी करके बट इजीली मार सकते हो। अब मज़े की बात, जॉन भैया आ चुके थे यहाँ पे और मैंने फोकस नहीं किया ना, मुझे इतना टाइम मिला कि मैं हीलिंग ज़्यादा उठा सकूँ, मैंने लगा दी दुड़की क्योंकि मुझे लगा था सर्कल बहुत छोटा है और हेल्थ जो है वो ज़्यादा जाएगी। तो फिर हम यहाँ से थोड़ा सा आपको गाना सुनाते हैं, सस्ता गाना, जॉन भैया आगे मत जाइए, जॉन भैया जॉन मैया मैया नहीं सॉरी, जॉन भैया आगे मत जाइए, जॉन भैया प्लीज़ रुक जाइए, जॉन भैया हेल्थ जा रही है, जॉन भैया क्या आवाज़ आ रही है। सस्ता गाना विद अनोनिमस जो मैंने अभी अभी बनाया। ओ बाबा जी कुछ ऐसा हुआ था इस गेम प्ले में, तभी मैंने अपलोड नहीं किया था, बट अभी कुछ था नहीं तो करना पड़ा, बैंड बच गई, क्रेट बना दिया हमारा, बहुत ही ख़राब लगा। तो फिर हम आ गए थे TDM की तरफ, क्योंकि अब TDM अपलोड तो करना पड़ेगा ना, छोटा सा गेम प्ले डाला आप लोगों के लिए तो आपको TDM तो दिखाना पड़ेगा, वरना अनोनिमस की पब्लिक बोलेगी
बाबा जी ऐसे नहीं करना चाहिए था आपको, ऐसे कैसे एक बंदा डाउन किया था गाइस, और अभी दुड़की लगा रहा था आगे की तरफ, आइए सर जी आपकी बैंड हम बजाएं। एक के मेरे पास है, ओ हमने तो आपको देखा ही नहीं। तो गाइस में बड़ा मजा आने वाला है, एक एक करके सारे लीव करेंगे। कुछ प्लेयर्स अच्छे थे, कुछ अच्छे से नहीं खेल रहे थे, ये भाई ठीक ठाक खेल रहे थे। M24 लेके आ रहे थे, नहीं मतलब क्या। तो यहाँ पे सबके सब आ जाएंगे सामने। ये देखो गाइस कवर में मरा, मतलब क्या एक ही बार, मतलब भाई मैं क्या बोलूँ, कवर में मार रहे हैं, नहीं मतलब क्या सर जी, हमें तो पता ही नहीं है जैसे वहाँ खड़े हो, और हम तो आपको बिल्कुल मारेंगे नहीं। ये मैंने डाउन किया अपने टीममेट को बचाया, थैंक यू, इन्होंने बोला कोई नहीं, बट कोई बात नहीं बाबा जी, आइए वापस जाइए। राशा तो पश्तो का लग रहा है, वो नंगू पीछे खड़ा है मेरे को पता ही नहीं। लॉल नंगू भैया आ हा हा हा, पिछवाड़े पे धूप लगा रहे हैं, किल चोरी हो गया बट कोई बात नहीं। ओए दोबारा मरा बेचारा, ओम वाला बार बार हमसे मर रही है, ओम के नाम वाला। आ हा हा हा, PPG ले रहे हैं, पीक लेके बैठे हैं मेरे भाई। कच्चे वाले भैया को मारेंगे, आइए कच्चे वाले भैया आइए और जाके वापस कच्चा सुखाइए। अजीब सी बातें विद अनोनिमस, आइए कच्चे वाले भैया वापस जाके कच्चा सुखाइए, उल्टी सीधी बातें विद अनोनिमस। लॉल मैं आज बड़ी बकबक कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता आपने बड़ा इंतज़ार किया, और ट्राई करूँगा कि लाइक पोस्ट करता रहूँ इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह जल्दी अनबैन भी हो जाएगी। आइए कच्चे वाले भैया हम लेट के मार देंगे आपको। वो आम वाले भैया ने इस बार बदला लेने की अच्छी कोशिश की, लेकिन बाबा जी ऐसे कैसे, आठ की स्ट्रीक हमारी हो चुकी है। ओके तो भैया भग लिए पीछे, आइए और जाइए। ओम वाले भैया दोबारा गए, ओम वाले भैया बड़े जोर लगा रहे हैं कि अपनी मौत का बदला ले लें, बट ऐसे कैसे बाबा जी। 11 की स्ट्रीक हो चुकी है, 16 किल हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। कच्चे वाले भैया आए, इस बार किल चोरी होता हुआ हमारा, और ये हमने डाउन किया दूसरे कच्चे वाले भैया को। आम का रंग पीला तुम्हारा कच्चा गीला, बम पे धूप लगा रहे हैं, और ये हमें किल मिला, ये लो थे इसलिए। तो बाबा जी लाइट गई हुई थी और लाइट आ गई, पता है घंटा डेढ़ हो गया लाइट गई थी, और मैं इसलिए अंधेरे में बैठ के एडिट कर रहा था, वॉइस ओवर कर रहा था। पंखे वंखे चल जाएंगे, सबके शोर आएगा गली से, इसलिए हम जल्दी जल्दी एडिटिंग करते हैं फिनिश। आइए कच्चे वाले भैया, जाइए कच्चे वाले भैया। ये फिर लेट गया, इसको पता नहीं क्या शौक है लेट के आने का, ये लेट के खेल रहा होगा गेम, इसको बार बार शौक है लेट के, आराम से पिछवाड़े पे धूप लगा रहा है। अच्छा सर अभी मैं समझा, मैंने तो बोला था कि इसका कच्चा गीला है, जब इसका कच्चा गीला है तो लेट के खेलेगा ना, सुखाना भी तो है धूप में कच्चा। ये 17 की स्ट्रीक हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह, और गाइस 22 किल हमारे हो चुके थे, 3 किल रहते थे, और अब ये देखना क्या करेंगे। ये हमारा किल हाथ से गया, 2 बंदे बचे, उसने भी अंदर जाके कर दिया लीव, और हमें मिली विक्टोरी, और हम आए MVP बाबा जी। तो गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और फिर शेयर करके मुझे कमेंट्स में बताना। गाइस पता है काफ़ी मुश्किल है टाइम मेरे लिए, आप समझ सकते हो कि मैं इतना कर लिए पबजी खेल खेल के आप लोगों को एंटरटेन करके, और अब जाके जो है ना अनबैंडिंग होने में आ रही, और मेरे पास कंटेंट नहीं है, लेकिन उसका मसला नहीं है, मुझे पता है हमेशा मुझे सपोर्ट करोगे। बस ये थोड़ा सा अपना माइंड बिजी रखने के लिए मैं ब्लॉग्स वगैरह बना रहा हूँ, आप उस पर जाके प्यार दिखाओ, सपोर्ट दिखाओ, थोड़ा सा इंस्टाग्राम पर सपोर्ट दिखा दो, तो मैं थोड़ा सा ना लाइक बिज़ी रह पाऊँगा, और नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, कुछ जो है ना लाइक कहते हैं ना सैड हो जाना, वो हो जाता है मैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह नमाज कायम है तो हिम्मत आती रहती है। आप अगर नमाज़ पढ़ रहे हो तो आप डिप्रेशन में नहीं जा सकती है, तो पक्का है। तो इसलिए मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा ना व्लॉग्स वगैरह बनाऊँगा, बिज़ी रखूँगा, तो मैं अच्छे से ये वाला जो इम्तहान अल्लाह पाक की तरफ से ही मैं फ़ेस कर सकता हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है सब के सब जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, और अनोनिमस 360 वाला चैनल जो है वो भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी आई प्रॉमिस कि मैं ऐसे एंटरटेन करता रहूँगा, अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा, आप लोग को मज़ा आता रहेगा। तो अनोनिमस की पब्लिक कोई बात बुरी लग रहा है तो माफ़ कर देना, अच्छी लगे तो ऐसे ही प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना आप सबको, मेरी गीली चुम्मी लॉल।
अल्लाह हाफिज़ एनोनिमस की पब्लिक, अल्लाह हाफिज़।